वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुबं जितेन्द्रियं बुद्धिमातां वरिष्ठं वादात्मजं वा नरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी लोगों को नमस्कार, इस मंच को नमस्कार। जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने अभी कहा कि सारे व्यवधान जो हैं वो लगभग अब बादल छटने को हैं और हम एक सुंदरता की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। और प्रभु श्री राम जो है, आपने अभी इसके पहले अरण्यकांड और किष्किंधा कांड में जो उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में देखे, अब देखेंगे सुश्री नेहा जी जो है वो हमें बताएंगे कि सुंदरकांड में क्या होता है, प्रभु श्री राम को क्या खुशखबरी मिलती है और क्या होता है। आज जो है दो पाठ होंगे। आदरणीय ममता गर्ग जी जो है वो पहले पाठ करेंगी, 45 मिनट उनके होंगे, मतलब 8 से 8:45 तक। उसके नहीं बाद कामाक्षी जी जो है वो पाठ करेंगी, तो 8:45 से 9:30 तक उनका पाठ होगा। और उसके भैया, बाद नहीं भैया ओ जी, मेरा सॉरी नो जी ममता गर्ग का बाद में है, पहले कामाक्षी जी का है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, हो सकता मैंने गलत लिख लिया होगा उसमें से, मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। तो सर मेरा एक्चुअल में मोबाइल में मैं बात कर रहा हूँ, लैपटॉप चल नहीं रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर गुप्ता सर क्या हाँ, मैंने पहले कामाक्षी करेंगे, बाद में अमृता जी। जी 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 मैं माफी चाहता हूँ। तो पहले मैं कामाक्षी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना पाठ करेंगी 8 से 8:45 तक। उसके बाद 9:30 बजे तक आदरणीय ममता गर्ग जी करेंगी और फिर नेहा जी इसकी समीक्षा करेंगी। हम लोग इसका आनंद लेते हैं। मैं कामाक्षी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। जय श्री राम। जय सिया राम सभी को। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीशरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रीहा रघुपते हृदय संदीये सत्यम वदामि च भवान भवानखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघु पुगवम निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रण्यम सकल गुणानिधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहार जामवंत के पचन सुना सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सहित कंद मूल फल खाई जब लगी आव वो सीत ही देखी होई काजु मोहि हरस बिसेखी यह कही नाई सबनी कहु माथा चलेउ हर शिहिय धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ेउ ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरके उपवन तनय बल भारी जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता चले उसो गा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मै नाक होहि ब्रह्म श्रमहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी जात पवन सु देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा सुरसा नाम अहिन कै माता पठिन आई कही तेहि बाता आजु सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काजु करि फिर मैं आवो सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो तब
बदन पैठे आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरी तेहि बदन उपसारा, कपि तनु कीन दुगुन बिस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जासु तासु दुन कपि रूप देखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर शी चले हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के परछाई, गई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन ना, तासु कपटु कपि तुर तही चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारे दी पार गयो मत धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग बृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तिहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी, अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा यत नागना, चहुअट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बर रूथनि को गने, बहु रूप निसचर जूत अतिबल, सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप, बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जही नाना अकार इन भी रही, बहु विधि एक एकन तर जही, करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिसि रचही, कहु महिष मानुष देनु खर अजखल निसाचर भच्छही, एहि लागि तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ सरीरनि त्यागी गति पै सही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसि नगर करौ पैसार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मो आहार जहां लगी चोरा, मुठिता एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका, जब रावणे ब्रह्म कर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल कोसिते कपि के मारे, तब जाने सु निसिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तात स्वर्ग उपबर्ग सुख धैर्य तुला अंग, तूल नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहत अग्नित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दिखी बैदेही, भवन एक पुनि दी सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन न जाई, नव तुलसी का बृंद तह देखे हर्ष कपिराई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लंका निसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करे कपिलागा, तेज समय विभीषण उजागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एक एही सनहटी करी हो पहचानी, साधु ते
होई नकार जहानी, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करे प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, की तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, की तुम राम दीन अनुरागी, आय मोहि करण बड़ भागी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरि गुण ग्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजिर बिहारी। सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसन ननि महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति नपद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिलही नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करही सदा सेवक कर प्रीति, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सुब बही विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजिर बिहारी। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमेरि गुण भरे बिलोचन नीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते कहे काहे न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख की चहु जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयउ पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निसजामा, कृष तनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजित बिहारी। तरु पल्लव मुह रहा कुलुकाई, करे विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तो आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवध पति परम स्नेही, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कहो की नलिनी करई विकासा, असमन समझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की, सट सुने हरि अनु अने आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं ना नहीं तो ही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि कारी असी, बोला अति खिसियान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सीता तै मम कृत अपमाना, कट्यु तव सिर कठिन कृपाना, नाहि त सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुज करि कम कर सम दस कंधर, सो बुज कंठ की तव असि भोरा, सुनु सट अस प्रवान मन पन मोरा, चंद्र हास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निसित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन बाधावा, मयत नया कही निति बुझावा, कहे सी सकल निसिचरिन बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास सहु जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी कारी कृपाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजित बिहारी। भवन गयउ दस कंधर यहाँ पिसाचिनी बृंद, सीत ही त्रास देखा वही, धरहि रूपम बहु मंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजित बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेक का, सबनो बोली सुनाई सी सपना, सीत ही से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहा उपकारी, होई सत्य गए दिन चारी,
सुबचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंग सु दशरथ अजिर बिहारी, जहता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मार ही निशिचर खोज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंग सु दशरथ अजिर बिहारी, त्रिजटा संबोली कर जोरी, मातु विपति संगी नित्य मोरी, तजौ देख करु बेगी उपाई, दूसर बिरहु अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनलपुनी देह लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सब बानी, सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, कह सीता भी विभा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही नसूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा, पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करई निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हरखी उठी कर गए वो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रुचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ओ हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवना मृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयउ, फिर बैठी मन विस्मय भयउ, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी, नर बर नहीं संग कहु कैसे, कही कथा भय संगति जैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल वली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात्मो कहूँ जल जाना, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल दाता, हो ही निरखी श्याम मृदु गाता, बचन न आओ नयन भरे पारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मान नहु जे ऊना, तुमते प्रभु राम के दूना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, रघुपत कर सुन देसु अब सुन जनन धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कुप्रसानु, काल निशासम निसि सस भानु, उबलय विपन विपिन कुंत बन सरिता, बारिद तपत देल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग स्वास सम त्रिविद समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तोई पाहि, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान प्रसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जान, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जौ रघुबीर होती सुधिपाई, करते नहीं बिलंब रघुराई। राम बाण रब भी ओए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। उबही अबही माँ तू मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई ही रघुवीरा। निशिचर मारिते तो ही लय जय ही, हुपुर नार दादी जसु गए ही। है सुत कपितव तुमही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। सीता मन भरोस सब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुँ दशरथ अजर बिहारी। सुन माता साखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई, परम लघु ब्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुँ दशरथ अजर बिहारी। मन संतोष सुन नत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील धाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सोहू। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाए सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर खीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ बिख्याता। सुनो माँ तु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। तीन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलेउ नाई सिर बैठेउ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनि रावण पठे भट नाना, तीन ही देखि गर्जे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठे तेहि अच्छ कुमारा, चला चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गई तरजा, ताहि निपा ती हां धुनी गर्जा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर। कुछ कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुन सुत बद लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना। मार सी जनी सुत बांधे ताही, देखी कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अकपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरु धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाबट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। तीन ही निपात ताही मन सन बाजा, बिरे जुगल मानो गजर राजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी की नसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन मजाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म अस्त्र तेहि संग घा कपि मन कीन विचार। जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म बाण कपि कहुं ते ही मारा, पर त्यू बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सी ले गयउ। जासु नाम जपी सुनऊ भवानी, भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाए, कौतुक लागी संभा सब आए। दसमुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभी ता। देखी प्रताप न कपि मन संका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपि ही बिलोकी दसानन बिहसा, कही दुर्बार। सुतवद सुरति की पुनि, उपजा हृदय साथ।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सु दशरथ अजिर बिहारी, कर लंकेश कवन तै खीसा, के बल गाले ही बने खीसा की दो, श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही, मारे निशचर के ही अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत ससानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे धन सिखावन उदाता, कर हर को दंड कठिन जेहि भंजा, दे तेहि समेत नृप दल मद गंजा, हर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जाके बल्लभ लेस ते जीते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरी, आने हो प्रिय नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा, खाए उफल प्रभु लागी भूखा, कपि सुझाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमार रग गामी, जिन मोहि मारे मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, बिन बिनती करऊ ज्योरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन, देखऊ तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी बजऊ भगत भय हारी, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, दासो भयो भयो कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु रखी है अब अपराध विसार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचर राजु तुम करऊ, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससी मोह जनी होहु कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित भरनारी, राम विमुख संपति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जीन सरितन नाही, बिरसि गए पुनि तवहि सुखाई, सुन दसकंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज जो तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मोह मूल बहु सूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जदपि कहीं कपि अति हित बानी, जगति भगति विवेक बिरति नय स्थानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कह अनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी ना हरऊ मूर कर प्राणा, सुनत निसाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण उपाय, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आना दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कपि के ममता पूछ पर सबही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, पूछ हीन बानर तह जय जय ही, सब तब सट निज नाथई लई आई, जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तीन कै प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जात दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन गृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक का आए
पुरबासी मारही चरण करही बहुहासी, बाज जही ढोल देही सबतारी, नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परउ रघु लघु रूप तुरंता, निबुकी चढ़ेउ कपि कनक अटारी, कई संभीत निसाचरी नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मारुत उनचास, अट्टहास करी गर्जा कपी, बड़ी लाग आकाश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा न गुरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह ग्रह नाही, ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनि सिंधु समझारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, पूछ बुझाई कोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, मातु मोहि दी जे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, कहे उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, तात शत्रु सुत कथा सुनायहु, बाण प्रताप प्रभु ही समझायहु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि के बिधि राखौ प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, ते तो ही देखी शीतलि भई छाती, पुनि मोह कहो सोई दिन सो राती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी, जनक सुतही समुझाई करी, बहुन विधि धीरज दीन, चरण कमल सिय सिरुनाई कपि गवनु राम पही कीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, चलत महादुनि गर्जसि भारी, गर्भ श्री स्रवहि सुनि निसि चरनारी, नाग सिंधु ए परहि आवा, सबद किल किला कपि न सुहावा, हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कि इतने सी रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफल दलपत मीन भा पाओ जिमी बारी, चले हरष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए, रघुवारे सब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, जाई पुकारे ते सब बन उचार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरष कपि करी आए प्रभु काज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जम होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि कि खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा, आई सबनी नावा पद सीसा, मिले उ सबनी अति प्रेम कपीसा, पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काजु विसेखी, नाथ काजु की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव कहु तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पही चलेउ, राम कपिन जब आवत देखा, थे काजु मन हरस विशेखा, फटिक सिला बैठे दहु भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा कुंज, पूछि कुशल रघुनाथ अवु कुशल देखि पद कंज, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सुई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु
लोगो जागर, प्रभु की कृपा है हम सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसा मुख न जाई सोवरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन गति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। केहु तात कही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। नाम पावर दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे पाठ। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चू नाम निदिनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण नकीन पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। बिरहे अगनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाऊ देह विरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीत। बेगी चलऊ प्रभु रानिए, भुज बल खल दल जीत। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपति की ताही। कै हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। सुनि कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरनि में नाही, देखऊ करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरषि हनुमान। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। बार बार प्रभु चहे भावा, प्रेम मगन तेहि उठबु न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कही सीसा, सुमिरि थो दशा मगन गोरी सा। सावधान मन करि पुनि संकर, लागे केहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन हो जारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभु ताई। ता कहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा नलही, जारी सकई खलु तू। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अनुपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहउ भवानी। ना राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु तजि भाव नयाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा।
रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। अब बिलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु वर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूत। नाना मरन अतुल बल, बानर बालु बरू। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर जही भालु महावल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तव दीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुगुनाना। जासु सकल मंगल मैं कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फरकी वाम अंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जान कही होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर जही वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरी पादब धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर कर भरे। मन हर्षु सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावहि। सही सकन भार उदार, अहि पति बार बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, प्रश्न कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखित अविचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान पल, भालु विपुल कपिबीर। निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहि निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि में जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, नूर कहा अति हित हिय धरम। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। सासु नारि निज सचिव बुलाई, पटुवहु कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा समुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार सम्भु अज कीने। राम बान अहि गन सरिस, निकर निशाचर भे। जब लगी ग्रस्त में तब लगी, जतन करहु तजिटे। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिलसा जगत विदित अभिमानी। सभे सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचारि सी चर खाई। कंपहि लोकपु जागी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले उ सभा ममता दिखाई।
मंदोदर हृदय कर चिंता, भयउ पंत पर विधि विपरीता। बैठे उ सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहउ, ते सब हसे मष्ट करी रहउ। जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। सोई रावण कहु बने सुहाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्रात भ्राता चरण सी सुतही नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुखनाना। सो पर नारी लीलार लीलार गोसाई, तजउ चौथी के चंद किनाई। चौधे भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहउ न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजउ भजई जही। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनु धारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजि नाहि माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु पै देही, भजउ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जही लागा। जासु नाम त्रेताप न सावन, सोई भट सोई प्रभु प्रगट समझु जिए रावन। बार बार पद लागयउ, विनय करउ दस सीस। परिहरि मान मोह मद, भजउ कौशलाधीश। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमे प्रभु सन कही, पाए सु अवसर तात। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोउर धरउ जो कहत विभीषण। रघुत कर्ष कहत सठ दौ, दूरी न करहु इहा हय को। माल्यवंत ग्रह गाउ बहोरी, कहै विभीषण कुनि कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तह विपति निदाना। तबूर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल कैरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मांगउ, राखउ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कहि विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारि साई, खल तोहि निकट मृत्यु अगुआई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मुंड तोहि भावा। कहसिन खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। मम पूर्वसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिन्हि कहु नीति। अस कहि कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई।
तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लाई नव पथ गयउ, सबई सुनाए कहत असु भयउ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। अस कही चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले उ हर श्री रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हरूर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तई। जिन पायन के पाद कन्ही, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो क्यों, इन नैनहि अब जाय। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपद सिंधु एहि अपारा। कपिन विभूषण मावत देखा, जाना कोई रिपु दूत विशेखा। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझिए काहा, कहे कपीस सुनऊ नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। वेद अमर लेन सठ आवा, राखिए बांधि मोहि असुभावा। सखा नीति तुम नेक विचारी, ममपन शरणागत बहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहु जे तजई, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि फिर लोकत हानि। कोटि विप्र बदला गई जाहु, आए शरण तजाऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। पापुवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरु तेहि भाव न काऊ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई खू होई, मोरे सन्मुख आवि की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठुआ दस सीसा, तबहु न कछु बे हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण होनई निमिष महु तेते। जऊ सबीत आवा सरनाई, रखी हऊ ताहि प्राणी की नाई। उभय भांति तहिया नहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के आता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहउ ठटकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आय तुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मंदरि धीर कहि मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जनम सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहि तम पर नेहा। श्रवण सुजसु सुनियायउ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर।
अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मनु भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले वचन भगत बिहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। थल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभाई कही भाती। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नै निपुण निभाओ अनीति। बरु बल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अहो पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीनि जानि जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सोप धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगी उर में बसत रघुनाथा, धरे चब सायक कटिभाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष अलूक उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटी भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध स्वभुसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाओ, शुभ आचरण कीनी नहीं काओ। जासो रूप मन ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। सुनहु सखा निज कहु सुभाओ, जान भूषण शंभु गिरि जाओ। जौ नर होई चरा चर ध्रोई, आवई सभे शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करउ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु दनु भवन सुरत परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी ढोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहि मनु माही। अस सज्जन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सुमु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा वरूथा। सुनत विभूषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात नय प्रेमु अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालुर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मने भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नेरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन ब्रष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनन लिज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखेऊ, दीनहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावनहि, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषणहि, सकुछ दीनि रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पुंछ बिषाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा।
सर्वज्ञ सर्वुर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक, सुन कपीस लंका पति बीरा कई विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती अति अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई विनय करिय सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिधार, सखा कही तुम नी की उपाय करिय देव जो होई सहाय, मंत्र नयन लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनी अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा सोषिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कब एक अधारा देव देव आलसी पुकारा, सुनत भी हसी बोले रघुवीरा ऐसे ही करव धरो मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन्हीं सिरुनाई बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभूषण प्रभु पही आए पाछे राम दूत पठाए, सकल चरित तिन देखी धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेह, प्रगट बखान ही राम सुभाऊ अतिस प्रेम गा बिसरी दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधि कपीस पही आने, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग करी पठ बहु निशीचर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये बांधि कटक चहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपिन त्यागे, जो हमार हर ना सा काना तेहि कौशलाधीश कियाना, तुम लक्ष्मी ने सब निकट बुलाए दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दी जहु यह पाती लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती, कहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु नैत आवा कालु तुम्हार, तुरत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत बरनत गुन गाथा, कहत राम जस लंकाए रावण चरण शीश तिन नाए, बिहसी दसानन पूछी बाता कहसी न सुख आपनि कुसलाता, पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी, कर्तराज लंका सठ त्यागी हो भई जब कर कीट अभागी, पुनि कहु भालु केस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तपसिन की मात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी, की भई भेट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कह सिन रघुनन तेज बल बहुत चकित चित तो, नाथ कृपा करी पूछूं जैसे मानव कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक तेहि सारा, रावण दूत हमई सुनी गाना कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे राम सपत दीने हम त्यागे, पूछी हूँ नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत भरने न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी, जयपुर दहे उठत उसत तोरा सकल कपिन महते ही बलु थोरा,
अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग वल विपुल विशाला। दिविद मयंग नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के निसट सट जामवंत बलरासी। एक पिसव सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई गुनाना। राम कृपा सुनित बल तिनई, त्रन समान त्रिलोक ही गनई। अस में सुना श्रवण दस कंधर, पदुम अठारह जूथ भुवंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो ने तुम्हें जीते रनु माही। परम क्रोध में जही सब हाता, आया सुपे ने दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस व्याला, पूरही ने ते भरि कुदर विशाला। मर्द गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहु सब कीसा। गर जही तर जही सहज असंका, मानव प्रसन्न चहित नहीं लंका। सहज सब सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीत सकहिं संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहिं गाई। सत सर एक सोसि सत सागर, तब भ्रातई पूछउ ने नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माहे। सुनत बचन बिसा दस सीसा, जौ असीमति सहाय कृत कीसा। सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाय में पाई। सचिव सबीत विभीषण जाकई, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिसवाड़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। राम मानुज दीन है यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी वाम कर लीनी रामन, सचिव बोली सठ लागु बचामन। बातन मन ही रिझाई सट, जनि घाल सी कुल खीस। राम विरोध ने उग्रसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजी मान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भ्रंग। हो ही कि राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। सुनत सभे मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर कहत गहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुकुनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध नहीं कहु धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन मट कीन सटते ही। नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तबु, भैवन होए न प्रीत। लक्ष्मी ने बान सरासन आनु, शो शो बार दिवि सिख कृसानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मनुभावा। स
समधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि हुर अंतर ज्वाला। मकरूर अग झश गन अकुलाने, जरत जंत जल निधि सब जाने। कनक थार भरि मनि गन नाना, विप्र रूप आयउ तजि माना। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कोई सीच। विनय मान खगेश सुनु डाटे पई नवनीच। सबे सिंधु गहि पद प्रभु के रे, छमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर नल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह अस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। प्रभु बल कीनि मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम रीत कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सुबेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतुरई कपि कटकु, तात सुख उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, कर हूं बल अनुमान सहाय। एही विधि नाथ पयो दि बधाई है, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई है। एही सर मम उतर तटवासी, हतौ नाथ फल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दि सिधावा। निज भवन गवने उ सिंधु सिरि रघुपति, यह मत भायउ। यह चरित कनि मल हर जथा, मति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संसय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावही, सुनई संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघु नायक गुण गाओ, सादर सुनहित तरही। भव सिंधु बिना जल जान, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय सियाराम। बहुत सुंदर पाठ। जय सियाराम, जय सियाराम। अच्छा, कामाक्षी जी ने और ममता जी ने बहुत सुंदर पाठ किया, बहुत ही सुंदर सुंदर काम। धन्यवाद। सुंदर कांड का पाठ संपन्न हुआ और कामाक्षी जी और ममता जी ने बहुत सुंदर ढंग से पाठ को पढ़ा। आप लोगों ने बड़े शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। ध्यान भंग होने से योग का टूटना स्वाभाविक है और प्रारंभ मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। तो जो है सुंदर कांड की समीक्षा जो है नेहा जी करेंगी। हम देखते हैं कि सुंदर क्यों है, हनुमान जी की यात्रा हो रही है तो उस यात्रा में क्या क्या पड़ाव आ रहे हैं, उसके बाद लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो कौन मिलेगा, उनसे कैसी बातचीत होगी और इसके बारे में बात करेंगी वो। फिर माता सीता के दर्शन होने के बाद हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया हो, माता सीता की क्या प्रतिक्रिया होगी और हनुमान जी कैसे विश्वास मिलाई है, नर मादा का संग कैसे होगा। इसके बाद रावण से भी मुलाकात होती है तो रावण और हनुमान जी के बीच में क्या बातें होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो अभी नेहा जी हमको बताएंगी। फिर जब माता सीता के पता लग जाता है तो वो विजय उत्साह जो है वो
आखिरी छक्का जो है क्रिकेट का होता है वो जो है हनुमान जी ने लगाया है, तो वो उत्साह हमें बानरों के व्यवहार से मिलेगा, वो भी सुनाएंगी। फिर उसके बाद वैदेही के जो है कुशल क्षेम जो है हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम को सुनाएंगे, उसके बारे में नेहा जी बताएंगी। फिर विभीषण की शरणागति है और अंत में जो है प्रभु श्री राम जो है सागर से जो मार्ग मांगते हैं वो कैसे मिलता है, इस सारे प्रसंगों की चर्चा नेहा जी करेंगी। मैं नेहा जी को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय नेहा जी कृपया आए। जय नेहा सिया राम जी, जय जी की श्री राम। जय जय सिया राम। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। ममता मैम और कामाक्षी मैम को इतने सुंदर पाठ के लिए बधाई देती हूँ। आप सब इस पाठ में जुड़े और इस समीक्षा में जुड़े, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मुझे ये सुअवसर मिला है कि मैं आज के सुंदर कांड की समीक्षा करूँ, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। तो अब किष्किंधा कांड के अब तक के सफर में बात ये हुई है कि कई वर्ष बीत गए हैं प्रभु राम को अयोध्या नगरी छोड़े हुए, और कई मास बीत गए हैं माता सीता का अपहरण हुए। कई दिनों से प्रभु राम विरह और वियोग में डूबे हुए जंगल दर जंगल, वन दर वन माता सीता को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब हम इस सुंदरकांड में प्रवेश कर गए हैं, तो प्रभु राम का और हमारा जो ये इंतजार है, अब ये और लंबा नहीं होगा। और मैं आपका जो सस्पेंस है वो बिल्कुल इस समीक्षा के आरंभ में ही खत्म कर देती हूँ कि इस पाठ के इस कांड के बीच में हम माता सीता की खोज कर लेंगे, और माता सीता की जो खोज करेंगे वो प्रभु राम के अनन्य भगत हैं, प्रभु राम के प्रिय भगत हैं हनुमान जी। क्योंकि अब दृश्य बदल जाएगा और अब चीजें सुंदर हो जाएंगी, अब चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो शायद, और ऐसा मेरा भी मानना है कि बाबा तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो कौन से रीजंस, वो कौन से कारण रहे कि इस कांड का नाम तुलसी सुंदरकांड पड़ा, तो आप ओम सर का जो एक कोर्स है राम सुंदरकांड पे, वो जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक यहाँ भी शेयर कर रही हूँ, आपको ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। इसमें सुंदरकांड का गहन अध्ययन हुआ है, तो मैं आपसे विनती करूँगी कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें। और जो मैं आज की समीक्षा कर रही हूँ, मैंने इन्हीं इसी जो कोर्स है वहां से कुछ लाइंस उठाई हैं और आपके समक्ष 20 मिनट में पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमने ये मान लिया है कि ये प्रभु राम के अनन्य भगत जो हैं हनुमान जी, उनका कांड है और उनकी यात्रा है। तो अब दृश्य ऐसा है कि जो अतुलित बलधामा है, जो श्री हनुमान जी हैं, वो इस तरफ खड़े हुए हैं अपनी वानर सेना को साथ, और उन्हें ये एहसास हो गया है कि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो गया है, और अब वो तैयारी कर रहे हैं इस समुद्र को पार करने की। तो जैसे ही वो छलांग भरते हैं, तो पहले प्रभु राम का स्मरण करते हैं और प्रभु राम का ध्यान करते हैं, और फिर वो आकाश में उड़ जाते हैं। जैसे ही वो समुद्र में उड़ते हैं, पहले उन्हें मैनाक पर्वत मिलता है, वो उनसे आग्रह करता है, विनती करता है कि आप कुछ क्षण मेरे पे विश्राम कर लीजिए, अपनी थकावट दूर कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कार्य में हूँ, मैं विश्राम नहीं कर सकता, उनसे धन्यवाद लेते हैं, फिर से प्रभु राम का स्मरण करते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे सर्पों की माता सुरसा मिलती है, वो उनकी परीक्षा लेती है, हनुमान जी उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, वो उनसे भी विदा लेते हैं, फिर प्रभु राम का स्मरण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे सिंह का राक्षसी मिलती है, हनुमान जी उसका वध करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे कुछ ही समय में वो समुद्र के उस तट पे पहुंच जाते हैं। तो इस छोटे से दृष्टांत में, इस छोटे से वृत्तांत में आप पढ़ेंगे, और मैं ये मान के चल रही हूँ, और मैं जानती ही हूँ कि आपने ये कांड जो है सुंदरकांड बहुत बार पढ़ा है, बहुत सा बार सुना है, बहुत बार देखा है, तो ये आपने आपने भी नोटिस किया होगा कि इस छोटे से दृष्टांत में बाबा तुलसीदास ने ये हम हर दूसरी लाइन में ये कहने का प्रयास किया है कि हनुमान जी जो भी कार्य कर रहे हैं,
वो यहाँ से छलांग भर रहे हैं तब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, वो किसी से मैत्री कर रहे हैं तब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, वो वध कर रहे हैं तब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, और तट के उस तरफ पहुंच रहे हैं तब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। अब ये अतुलित बल के धाम जो है हनुमान जी जो है, जिनके पास इतनी असीम शक्तियां हैं और जिनके पास ये बल है कि ये अकेले ही समुद्र पार कर सकते हैं, और रामलीला में प्रभु लीला में ये कैसे पात्र हुए जिससे प्रभु राम ने भी सहायता मांगी कि जाके सीता की खोज करो, और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो प्रभु राम जी उनको कहते हैं कि उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि बताओ हनुमान मैं क्या करूं। तो ये इतने बलशाली हनुमान जी अगर चाहते तो प्रभु राम का स्मरण ना करते, क्योंकि वो तो प्रभु राम का कार्य कर रहे थे, लेकिन शायद उनको ये बात पता थी कि जो राम का नाम है वो राम से भी बड़ा है, और उसकी महिमा जो राम नाम की महिमा है वो बहुत है, इसलिए वो हर पल श्वास श्वास प्रभु राम का नाम जपते हुए ये पार कर जाते हैं। जब मैंने ये कांड पढ़ा तो मुझे एक बात नोटिस हुई, जब रामानंद सागर जी की रामायण आई थी मैं बहुत छोटी थी, मुझे उसमें कुछ ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जो एक बात जो एक पात्र मेरे मन में रह गया वो हनुमान जी हैं। उसमें बहुत प्रसन्न भगत हनुमान जी उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं कुछ भी कर रहे हैं, हर वाक्य के शुरुआत में और अंत में कह रहे हैं जय श्री राम, उनकी वानर सेना कह रही है जय श्री राम। मुझे लगा कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण पढ़ी होगी, मानस पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, तो उन्हें भी लगा होगा कि दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रभु राम के ये जो अनन्य भगत हैं, ये प्रभु राम का स्मरण करना, उनका सिमरन करना, उनका भजन करना कभी नहीं भूलते। लेकिन हम सब लोग जो इतना सुखदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब तक हमें प्रभु राम की प्राप्ति नहीं हुई है, तो शायद हमारा जो भजन है, हमारा सिमरन है, वो हनुमान जी के जैसा नहीं है, और शायद अभी भी कोई कमी है। तो आगे अब बढ़ते हुए हनुमान जी तट के उस पार पहुंच गए हैं, और जब वो तट के उस पार पहुंचे तो पास में एक पर्वत था, वो उस पर्वत पे चढ़ते हैं और वहां से लंका नगरी को देख रहे हैं। जैसे ही वो लंका नगरी देखते हैं तो अंदर एक ऊंचा लंबा किला है, जिसको देख के उनके मन में विचार आता है कि इसका क्या कहना, इसका क्या वर्णन करना। उसमें चारों ओर सोने की दीवारें हैं, सोने की दीवारों पे मणियां लगी हुई हैं, सोने की दीवारों से मणियों से प्रकाश हो रहा है, जो लंका नगरी है वो टिमटिमा रही है, वहां सुंदर घर हैं, जो गलियां हैं, बाजार हैं, जो चौराहे हैं, जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं, हाथी घोड़े सेना दैत्य जो भी उस नगर में है वो इतनी संख्या में है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो लंका नगरी की जो इस समृद्धि का वर्णन है वो बाबा तुलसीदास ने तीन छंदों में किया हुआ है, और उस तीन छंद के अंत में वो लिखते हैं कि यही लगी तुलसीदास एक ही कथा कुछ एक है कही, रघुबीर सर तीर्थ सरी रही, त्यागी गति पह ही सही। अब देखिए ये एक कवि का कटाक्ष है, एक लेखक का कटाक्ष है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक की ये जो कथा पढ़ी है सुनी है आपको लगा होगा कि इसमें एक प्रभु राम है, और प्रभु और इस कहानी का जो एंटागनिस्ट है, जो विलेन है, जो शत्रु है, वो रावण है, रावण की नगरी है, रावण की सेना है। लेकिन जहां से तुलसीदास जी देख रहे हैं, जहां से हनुमान जी खड़े होके देख रहे हैं, वो देखते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो दैत्य हैं, ये वो राक्षस हैं, जिनको जब प्रभु राम का बाण लगेगा तो वो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। मुझे लगा कि शायद तुलसी बाबा का एक संकेत है कि उन लोगों के पाप इतने ऊंचे थे कि हमारे कि भगवान को सृष्टि पे आना पड़ा, इस धरती पे आना पड़ा उनका सहार करने के लिए। शायद उनके जो पाप थे वो हमारे पुण्य से भी ऊंचे थे। तो अब जब हनुमान जी लंका नगरी को देखते हैं, अपना शरीर बिल्कुल छोटा करते हैं मच्छर की भांति, और रात के अंधेरे में लंका नगरी में वो प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले वो रावण के महल में जाते हैं, देखते हैं कि माता सीता वहां नहीं है, फिर वो लंका नगरी में घूमते हैं तो वहां उन्हें एक बहुत सुंदर महल दिखता है, और उस महल में उनको प्रभु राम का मंदिर दिखता है। तो वो सोचते हैं कि इस राक्षस नगरी में
प्रभु राम को कौन भजता होगा, प्रभु राम का कौन सिमरन करता होगा। और इसी जिज्ञासा से वो चले जाते हैं, उस महल में प्रवेश कर जाते हैं पता लगाने के लिए। तब उन्हें पता लगता है कि जो रावण का अनुज है वो भीष्म प्रभु राम का अनन्य भगत है। और अब जब दोनों भगत मिलते हैं तो वो प्रभु राम के गुणों को याद करके, अपने प्रभु को याद करके मगन हो जाते हैं। और इसी मगनता में, इसी प्रेम में जो अपने विभीषण है वो कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिल ही नहीं संता। वो कह रहे हैं हनुमान से कि मेरा जो शरीर है हनुमान, वो तम का है, मुझे ना भजन आता है, मुझे ना सिमरन आता है। और देखो मेरे पास तो प्रेम भी नहीं है, मेरे पास तो वो प्रीति भी नहीं है कि मैं भगवान के चरणों का स्मरण कर सकूं। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। और क्या विश्वास हो गया है, क्या भरोसा हो गया है कि बिन हर कृपा मिल ही नहीं संता, कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। यहाँ वो हनुमान को संत बोल रहे हैं। संत वो हुआ जो आपका प्रभु से मिलन करा दे। तो अब क्योंकि हनुमान जी विभीषण का प्रभु राम से मिलन करा देंगे, और अब वो इसलिए वो कह रहे हैं कि बिन हर कृपा मिल ही नहीं संता, क्योंकि अब मुझे संत मिल गए हैं, इसलिए अब मुझे भगवान मिल जाएंगे। अब विभीषण हनुमान को माता सीता का पता बताते हैं। हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में और माता सीता को देखते हैं, और क्या देखते हैं कि एक दुबले शरीर में बालों का जटा बन गई है, वो किसी से बात नहीं कर रही है, आंखें नीचे करके श्वास श्वास प्रभु राम का स्मरण कर रही है, सिमरन कर रही है। और ये जब वो देख रहे हैं, वैसे ही रावण वहां प्रवेश कर जाता है, और रावण माता सीता को बहुत से प्रलोभन देता है कि वो प्रभु राम को छोड़ दे। लेकिन प्रभु राम जो माता सीता हैं, वो उन रावण को वहां से धुतकार देती हैं, उसका अपमान करती हैं, और रावण वहां से चला जाता है। और इस संवाद से हनुमान को लगता है, उनका विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि माता सीता का हाल अभी भी प्रभु राम के बिना बहुत बेहाल है। वो विरह में, वो वियोग में ऐसी बैठी हुई है कि वो अपने मन में विचार कर रही है कि या तो प्रभु राम अभी आए और मुझे ले जाएं, या फिर मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाएं। लेकिन उनकी विरह और उनके वियोग की सीमा यहां तक पहुंच गई है कि वो बोल रही हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर से जब प्राण चले जाएंगे वो ज्यादा आसान है। और हनुमान से ये नहीं देखा जाता, और वो माता सीता को प्रभु राम की अंगूठी भेंट करते हैं। और जैसे ही माता सीता को ये निश्चय हो जाता है कि प्रभु राम की ही अंगूठी है, और जो हनुमान है वो प्रभु राम के ही दूत हैं, तो माता सीता उनसे पूछती हैं, और क्या पूछती हैं कि हनुमान, क्या श्री रघुनाथ मेरी याद करते हैं? विरह में बैठी, वियोग में बैठी माता सीता के मन में जो विचार आया वो ये आया कि क्या श्री रघुनाथ मेरी याद करते हैं या मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। और इतना कहा और उनके नेत्रों से आंसू अश्रु बहने लगे। माता के दुख को जान के जब उन्हें पता लगा कि ये बहुत ही ज्यादा दुख है, तो हनुमान जी माता को धीरज देते हैं और कहते हैं, माता, प्रभु राम ने आपके लिए संदेश भेजा है, और उनका संदेश मैं उन्हीं की वाणी में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो वो जो प्रभु राम का संदेश है वो क्या है, जो तुलसी बाबा तुलसी ने लिखा है कि कहयु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। कि हे सीता, तुम्हारे बिना पृथ्वी का हर पदार्थ मेरे लिए प्रतिकूल हो गया है। ये जो पेड़ों पे नए नए पत्ते आ रहे हैं, ये मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं। ये जो रात्रि है, ये काल रात्रि के समान लग रही है। ये जो मेघ से पानी बरसता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर गिरा दिया है। ये जो मध्यम मगन शीतल वायु है, ये मुझे सांप की तरह जहरीली और गर्म लगती है। कहते हैं कि अगर दुख को बांट लिया जाए किसी के साथ, विचार विमर्श कर लिया जाए, तो वो दुख कम हो जाता है। लेकिन तुम ही बताओ कि मैं ये दुख किसे बताऊं? मेरा ये दुख कोई नहीं जानता, इस दुख को केवल मेरा मन जानता है। और तुम ये विडंबना देखो कि ये जो मेरा मन है, ये भी तुम्हारे पास है।
तो माता सीता ने जब ये सुना तो वो बेहाल हो गई, उन्हें कोई सुध नहीं रहा, वो प्रभु के प्रेम में मगन हो गई, उनके ध्यान में मगन हो गई। तब हनुमान जी ने फिर से उन्हें धीरज दिया और कहा कि माता अब कुछ दिन और इंतजार करो, प्रभु राम आएंगे और आपको ले जाएंगे, मैं आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी मर्यादा नहीं है, मेरे प्रभु ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी है, लेकिन मेरे प्रभु आएंगे और आपको ले जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेते हैं और वहां जो अशोक वन में और बाकी वनों में फल लगे हुए थे वो खाना शुरू कर देते हैं, कोई फल खाते हैं, कोई फल फेंकते हैं, कोई वृक्ष उखाड़ते हैं। और जब वो ये तबाही मचा रहे हैं तो ये राजमहल में खबर पहुंच जाती है और रावण मेघनाथ को भेजता है, और जो हमारे श्री हनुमान हैं जब वो ब्रह्मास्त्र को देखते हैं तो उसका आदर करते हुए खुद को उसके समर्पित कर देते हैं। और फिर हनुमान जी को बांधकर रावण के जो सेना है वो राजमहल में पेश कर देती है। जो हनुमान जी है वहां जाके भी बहुत कोशिश करते हैं कि वो रावण को समझाएं कि अभी भी वक्त है, माता सीता को वापस राम जी को कर दिया जाए, प्रभु राम के चरणों में प्रीति कर ली जाए और ये जो युद्ध होने वाला है आगे इसको टाल दिया जाए। लेकिन रावण हनुमान जी का भी मजाक उड़ाता है और वो प्रभु राम के बारे में भी अपशब्द बोलता है। तो इसमें हनुमान को अब ये दृढ़ हो जाता है कि इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि हर ली है, इसके ऊपर काल आ गया है। और फिर रावण एक फैसला लेता है, वो एक दंड देता है हनुमान जी को कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और यही वो एक दंड है, यही वो एक फैसला है जिससे लंका नगरी की दुर्गति शुरू हो गई, विनाश शुरू हो गया। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगती है, हनुमान जी सोने की एक दीवार से उछल के सोने की दूसरी दीवार पे जाते थे। जो नगरी रात को टिमटिमा रही थी प्रकाश में, अब वो धुआं धुआं हो गई है, आग हो गई है, आग से कोयला हो गई है, कोयला से राख हो गई है। इसके बाद हनुमान जी माता सीता से फिर से विदा लेते हैं और वो फिर से वापस अपने प्रभु राम के पास पहुंच जाते हैं। तो जब वो प्रभु राम के पास पहुंचते हैं तो प्रभु राम हर्षित खुश प्रभु राम हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं और वो उससे उनसे पूछते हैं कि हनुमान कहो हनुमान सीता किस प्रकार रह रही है। वो पूछते हैं कहो हनुमान सीता किस प्रकार रह रही है, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। तो उस पे हनुमान जी माता सीता की जो निशानी थी, उनकी जो चूड़ामणि थी, वो प्रभु राम को पेश करते हैं, उनको भेंट करते हैं और कहते हैं प्रभु कि माता सीता ने ये संदेश मुझे भेजा है, संदेश देके मुझे भेजा है कि मैं आपके और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ के आपसे विनती करूं, आपसे पूछूं कि ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपने माता सीता को वियोग दे दिया। आगे वो कह रही हैं कि मुझे ये पता है कि मेरा दोष क्या है, जब मुझे ये विरह ये वियोग मिला मुझे मुझे उसी वक्त अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे, लेकिन विडंबना देखिए मेरे प्राण नहीं गए और इसमें जिसका दोष है वो मेरे नेत्र हैं, मेरे अश्रु हैं, क्योंकि विरह की आग में जब मेरा शरीर जलना होता है तो ये जल जब बरसता है तो वो साग को ठंडा कर देता है और मेरा शरीर जल नहीं पाता। आगे हनुमान जी इस विरह का बयान करते हुए कहते हैं कि प्रभु माता सीता इतनी विपत्ति में है कि मैं इसके आगे कुछ ना कहूं तो ही सही है। और कहते हैं कि माता सीता एक एक निमिष को एक एक कल्प की भांति मान रही है, आप जल्दी चलें, जल्दी जाके माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा लाएं। जब राम जी अब माता सीता की चूड़ामणि को राम जी लेते हैं, अपने हृदय से लिगाते हैं, अश्रु बहाते हैं उनके वियोग में, वो प्रफुल्लित भी हैं कि माता सीता मिल गई है। फिर अब यहाँ बाबा तुलसीदास ने भगत और भगवान का मेल दिखाया है। तो अब प्रभु राम जी हनुमान को कह रहे हैं कि सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।
प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही, कि हे हनुमान तुम्हारे समान उपकार ना कोई नर हो सकता है, ना कोई नारी हो सकती है, ना मुनि हो सकते हैं, ना ऋषि हो सकते हैं, ना देवता हो सकते हैं। मैं तुम्हारा उपकार कैसे उतारूंगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कि मैंने मन में विचार कर लिया है अब कि मैं तुम्हारा उरिन कभी नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं पाऊंगा। और इतना कह के वो हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। हनुमान जी बार बार उनके चरणों में गिरते हैं। और अब ये प्रभु राम का और जो हनुमान जी का जो ये मिलाप है, इसका वर्णन बहुत ही भावनात्मक है जो बाबा तुलसीदास जी ने किया है। इसके बाद प्रभु राम अपनी सारी सेना को लेके तट पे जाते हैं। और अब वो देखते हैं कि कैसे समुद्र पार किया जाए। इतने में रावण अपने महल से विभीषण को निकाल देता है, क्योंकि विभीषण उन्हें सलाह देते हैं कि आप माता सीता को छोड़ दें और आप इस पाप से मुक्त हो जाएं। लेकिन रावण इसे नहीं मानता, वो विभीषण को निकाल देता है। विभीषण अपने परिवार के साथ प्रभु राम के पास आते हैं, उनकी शरण लेते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसा करें, आप समुद्र के सामने उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको रास्ता दे दें। तो प्रभु राम अब 3 दिन बैठ के समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नींद में सोया समुद्र इसे अपना शायद घमंड मानता है तो वो नहीं जागता। और जब प्रभु को क्रोध आ जाता है और वो अपने धनुष में बाण धर लेते हैं, तब समुद्र प्रकट होता है, प्रभु से क्षमा मांगता है। और क्योंकि प्रभु तो दीन दयाल है, वो सबको क्षमा कर देते हैं, वो उसे भी क्षमा कर देते हैं। और फिर समुद्र कहता है कि आपकी ही सेना में नल और नील है, जो कि जिन्हें ऋषि मुनियों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो जो भी पत्थर समुद्र में डालेंगे वो तट जाएगा, उसका पुल बन जाएगा। तो आप ये पुल बनाने का कार्य शुरू कर दें। तो अब जैसे जैसे ये पुल बनेगा, जैसे जैसे नल नील ये पत्थर जो हैं राम नाम लिख के समुद्र में डालेंगे, प्रभु राम और माता सीता का मिलने का समय नजदीक आता जाएगा। रावण का जो अहंकार है वो नष्ट होने का समय नजदीक आ जाएगा। देवताओं ने जिस युद्ध की इतने दिनों से प्रतीक्षा की है, उस युद्ध का समय आने वाला है। और या फिर ऐसा कहें कि जो प्रभु राम के जो भक्त हैं उनको मोक्ष मिलने का समय आने वाला है। तो इसी के साथ आगे जो भी होता है वो अगली समीक्षा में बताया जाएगा। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय सियाराम। बहुत सुंदर बहुत ही नेहा मैम, अच्छा नेहा जी, अरे बहुत अच्छा बहुत लगा सुंदर, बहुत आपका। सुंदर नेहा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर धारा प्रवाह में आपने कहा और उसमें एकाग्रता थी, उसमें फोकसिंग थी, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया। खूब खूब अभिनंदन, खूब बधाइयाँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर, हमें मालूम था नेहा इतना अच्छा ही सुनाएगी। जय सियाराम मैम, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद। आपने जितना आत्मविश्वास के साथ है, इसकी समीक्षा की शब्द बहुत कम है आपके लिए। बस इतना कहूंगा कि होनहार बिरवान के होत सीखने पार, आप बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे राम कथा को लेके आगे। होनहार बिरवान के और होत सीखने पार। जय सियाराम, और गुप्ता जी थैंक के लिए, गुप्ता जी के यू। लिए मैं 2 शब्द कहूंगा। गुप्ता जी, आप 7 समुंदर बैठ करके जिस तरह से रामचरितमानस को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आप कोने कोने रामचरित मानस को पहुंचाया है। अगर कहा जाए कि वर्तमान समय के आप हनुमान पोद्दार जी हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस इतना ही कहूंगा कि आप रामचरित मानस को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। करम बहुत रघुनायक छोहू, ऐसे आप रामचरित मानस की मानस गंगा को प्रवाहित करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद कामाक्षी जी, ममता जी, नेहा जी, आज आप लोगों ने सुंदर कांड पूर्ण किया। बहुत अच्छी और बड़ी मार्मिक व्याख्या करी नेहा ने, और मुझे सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि पूरी व्याख्या में इस बिटिया ने अंग्रेजी का उपयोग नहीं किया। मैं तो हतप्रभत हूं, आज के बच्चे अगर 20-25 मिनट बोले और एक भी अंग्रेजी शब्द का उपयोग ना करें, ये एक बड़ी विशेष बात थी। बड़ा धारा प्रवाह और बहुत अच्छा बोला। और एक बात उनने जो बोली कि क्या वाकई
हम लोगों के पुण्य जो है वो उन पापों से कम है क्या जिसके लिए प्रभु जो है हमारे उद्धार के लिए नहीं आ रहे। वाह बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, और मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो, और नहीं तो मैं उनकी आज्ञा से आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी। बस मैं धन्यवाद ही प्रकट करूँगा कामाक्षी के लिए, ममता जी के लिए आज का पाठ के लिए, और नेहा की व्याख्या तो आप कह चुके हैं, मैं क्या कहूँ। तो बहुत सुंदर नेहा का गर्भ में सागर या सागर में सागर मेरी समझ में नहीं आया। तो अब उस सुंदरकांड को मुझे कहने में 30 घंटे लग गए, उसको आपने 15 मिनट में कह दिया। सो वंडरफुल। सो कल से राकेश जी आज रिटायर हो रहे हैं, तो कल से गीता जी इसे संचालन करेंगी, और कल विनय शर्मा जी पाठ करेंगे, और ममता अग्रज जी जिन्होंने आज पाठ किया वे समीक्षा करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राकेश जी सभी को पुनः धन्यवाद। गुप्ता जी एक मिनट समय लूंगा। राकेश चौबे जी कभी रिटायर्ड नहीं होंगे, कि जामवंत की तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, बीच बीच में हम लोगों को उत्साह वर्धन करते रहेंगे, कि हमारे साथ ही रहेंगे। जय श्री राम। मैं शांति पाठ से आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।